हेलो एवरीवन, मैं मनीषा भारद्वाज। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ वेज मोमोज। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मोमोज बनाने के लिए हमें इन सारी सामग्री की आवश्यकता है। मैंने सारी सब्जियों को ग्रेट करके रखा है। पत्ता गोभी, हरी मिर्ची, गाजर, लहसुन, अदरक, प्याज, सोयाबीन जिसे मैंने गर्म पानी में भिंगो के और फिर दरदरा पीस लिया है, चिली सॉस, सोया सॉस, तेल, नमक, चीनी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्च और चाट मसाला और मैदा। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो बना के तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा को लेंगे। उसके बाद इसमें हम एक चम्मच तेल डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच नमक डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैंने मैदा में ऑयल और नमक को मिक्स कर लिया है और अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे जो कि रोटी से हार्ड लगाना होगा हमें। थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए हम अच्छी तरह से डो को तैयार कर लेते हैं। हमारा जो डो है वो अब तैयार हो चुका है और अब हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। सारे सब्जियों में से हम इसका जो रस है उसे निकाल देते हैं। इसे निचोड़ निचोड़ के हम इसका जो रस है वो सारा निकाल देते हैं। सबसे पहले हम पत्ता गोभी का जो रस है वो निकाल देते हैं और इस तरीके का सारे सब्जियों को हमें ड्राई कर लेना है। मैंने सारे सब्जियों का रस निकाल लिया है और ये पत्ता गोभी और गाजर, लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची, सोयाबीन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें कोई भी सब्जी को ऐड कर सकते हैं या अगर कोई पसंद नहीं हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, नमक, चाट मसाला, काली मिर्ची पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और चीनी पाउडर। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सभी चीज हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा तोड़ लेते हैं। और इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। अब हम इन सबको दोनों हथेलियों से दबाते हुए गोल गोल कर लेते हैं। अब हम एक लोई लेते हैं और इसमें मैदा को लगा लेते हैं और इसकी पतली हमें पूरी जैसी बेलनी है। चारों तरफ से घुमाते हुए और हल्के हाथों से इसे बेलें। देखिए इसका जो थिकनेस है वो इस हिसाब का रखना है। अब हम इसमें एक चम्मच स्टफिंग डाल देते हैं और इसके चारों किनारों पे हमें पानी लगा देना है। दो उंगलियों की सहायता से हमें इसे डिजाइन देते जाना है। अंगूठों से हम डिजाइन बनाते जाएंगे और पीछे की उंगली से इसे दबाते जाएंगे। इस तरह हमारा जो मोमोज है वो डिजाइन इसका तैयार हो चुका है। फिर से हम दूसरी लोई लिए हैं और इस पे मैदा लगा देंगे और इसे पतली पूरी हम बेल लेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच स्टफिंग डाल देते हैं और इसके चारों किनारों पे पानी लगा देते हैं।
किनारे इसका मोड़ दिए और फिर अंगूठों की सहायता से इसे हम फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए तैयार हो गया हमारा जो मोमोज का डिजाइन है। इसी तरीके से सारे मोमोज को हम तैयार कर लेते हैं। मैंने सारे मोमोज को बना के तैयार कर लिया है और इधर मैंने कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हम एक जाली स्टैंड डाल देते हैं और अब हम इस जाली पे तेल लगा देते हैं। हमारा पानी जो है वो बॉईल हो चुका है और अब हम इसमें मोमोज को डाल देते हैं। सारे मोमोज को मैंने डाल दिया है और गैस को लो फ्लेम पे रख के और इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। 10 से 12 मिनट हो चुका है और अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं। देखिए मोमोज हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पक चुका है और इसकी अंदर का जो फीलिंग है वो दिख रही है और मैंने जो इस स्टैंड पे तेल लगाया था इस वजह से ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने मोमोज को सर्व कर लिया है लाल मिर्ची की चटनी और हरे धनिए की चटनी के साथ। और अगर आपको हमारा ये मोमोज बनाने का रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।